भाई दोस्तों तो आठ बज चुके हैं जिसके आप सभी को पता है हर शाम आठ बजे हम इंडिया न्यूज ट्यूचन पर लाइव क्लास लेते हैं आज हमारा माइक खराब हो गया है पूरी तरीके से इसलिए हम मतलब ये ईयरफोन से वीडियो बना रहे हैं तो हो सकेगा आपको ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा कमी महसूस हो तो यार काम चला लेना इसी से क्योंकि हमने ऑनलाइन में ऑर्डर दिया है तो दो दिन तो टाइम लगेगा मेरे भाई तो नेक्स्ट वीडियो से हम कोशिश करेंगे तो मतलब माइक अगर आ जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो से हम अच्छे क्वालिटी आपको मिल जाएगा मेरे भाई वॉइस क्वालिटी तो आज थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि माइक खराब हो गया है ईयरफोन से वीडियो बना रहा हूँ तो आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही मस्ट टॉपिक होगा क्योंकि आज बुधवार है और आप सभी को बताया बुधवार और शुक्रवार आपका फॉइसर क्लास लेता है और आपका फॉइसर आएगा एकदम नया नया क्वेश्चन होगा और आज हमने थोड़ा नया स्टाइल में भी पढ़ाने का सोचा है और थोड़ा लेटर भी चेंज किया नया स्टाइल में आपको पसंद आया कि नहीं आया आप जरूर कॉमेंट करना वीडियो के लास्ट में और आज का जो टॉपिक होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने ढूंढ ढूंढ के बहुत मेहनत से मैंने आज पच्चीस क्वेश्चन निकाले हैं जीके का जो आपके आर्मी के एग्जाम में इस साल आने का बहुत ज्यादा चांस होगा सिर्फ और सिर्फ आज उसी तरह का क्वेश्चन आज डिस्कस कर

तो जिंदा पीर जो होगा वो औरंगजेब को कहा जाता है और ओरोंगो जो होता है, वो मुगल साम्राज्य का एक सम्राट था मुगल साम्राज्य के मुगल साम्राज्य का पहला सम्राट जो था बहादुर बहादुर शाह था ठीक है इसका ध्यान रख लेना है और अगर हम बात कर ले मृत्यु तो जो हुआ था वो, था। तो वो था भाई बर्मा में हुआ था अठारह साल में हुआ था ठीक है इसका ध्यान रख लेना है और अकबर जो है वो फतेहपुर सिकरी बनाया था ठीक है अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनाया था सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि भाई देखो मतलब ताजमहल मतलब जामा मस्जिद आगरा फोर्ट एक तो ये 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 किसने बनाया तो सारा चीज़ जो है शाहजहां ने बनाया था ठीक है इसका ध्यान रख लेना तो बढ़ते हम चार नंबर क्वेश्चन की ओर चार नंबर क्वेश्चन पूछा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाइट बिटवीन यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ा गया था तो पानीपत का तीसरी लड़ाई जो होगा वो शाह अब्दुल्ली और मराठे के बीच लड़ा गया था ठीक है अगर हम बात कर ले पानीपत की तो पानीपत का पहला लड़ाई जो हुआ था वो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में और पानीपत का दूसरा लड़ाई वो छप्पन में हुआ था लड़ाई वो इकसठ साल में हुआ था साहब अब्दुल्ली और मराठे के बीच ठीक है तो बढ़ते हैं, पांच नंबर उर, पांच नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था आपको बताने

मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर हुआ था तो हुआ था भाई ढाका में हुआ था ठीक है और ढाका जो होता है वो बांग्लादेश की राजधानी होता है अगर हम बात कर ले बांग्लादेश की, तो की मुद्रा जो होता है वो टाका होता है और बांग्लादेश में जो भाषा बोला जाता है वो बेंगाल यानी कि बांग्ला भाषा बोला जाता है और बांग्लादेश को जो आजादी मिला था वो पाकिस्तान से मिला था ठीक है इसका ध्यान रख लेना है और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारत का राजधानी कोलकाता से लेकर डेली जो शिफ्ट हुआ था वो कौन से साल को हुआ था वो हुआ था भाई उन्नीस

राउंड टेबल हुआ था ठीक है अगर हम बात कर लें इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट राउंड टेबल की तो हुआ था भाई 1930 में हुआ था और द्वितीय राउंड टेबल जो हुआ था वो 1931 में हुआ था और तीसरा जो हुआ था वो 1932 में हुआ था ठीक है इसका ध्यान रख लेना है उम्मीद करता हूं भाई वॉइस क्वालिटी आपको थोड़ा अच्छा भी होगा ईयरफोन में क्योंकि भाई ये नोकिया का ओरिजिनल ईयरफोन है तो इसमें वॉइस क्वालिटी अच्छा होगा मैं उम्मीद कर सकता हूं मेरे भाई ठीक है तो बढ़ते हम आठ नंबर क्वेश्चन की और आठ नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु से डू और डा यानी कि करेंगे या मरेंगे

खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा यह भी भाई सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और एक चीज बोल दो इज बर्थ एंड आई जो से, जो है है वो वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने कहा था ठीक है इसका ध्यान रख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा हमारे चैनल पर जो सर आपका क्लास लेते हैं उस सर का भी एक चैनल है आर्मी क्लास करके कल मैं उस चैनल पर लाइव क्लास लूंगा सुबह साढ़े बजे ठीक है कल यानी कि कल बृहस्पतिवार सुबह साढ़े आठ बजे में द आर्मी क्लास चैनल पे मतलब लाइव क्लास लूंगा तो जो बच्चे को देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस चैनल का कल शाम मतलब कल सुबह पक्का साढ़े आठ बजे याद करके आ जाना उधर लाइव क्लास चलेगा मेरे भाई ठीक है और वो लाइव क्लास जो होगा वो मैं लूंगा ठीक है तो जिन बच्चों को चाहिए वो लाइव क्लास तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है वहां पर जाके आप कल सुबह साढ़े आठ बजे स्टार्ट हो जाएगा मैं ही लूंगा लाइव क्लास ठीक है तो नौ नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई वर्ल्ड वॉर वन यानी कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था आपको बताना तो पहला विश्व जो हुआ था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था और खत्म जो हुआ था वो 1918 में हुआ था अगर हम बात कर ले वर्ल्ड वॉर की यानी कि विश्व युद्ध की तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो उन्नीस में स्टार्ट हुआ था और उन्नीस में जाके खत्म हुआ था ठीक है अगर हम बात कर ले विश्व युद्ध की तो भाई देखो विश्व युद्ध में जो परमाणु बम गिराया गया था वो दो जगह पर गिराया गया था एक जापान के हिरोसीमा में और दूसरा भी जापान के नागासाकी में गिराया गया था ठीक है तो जापान के हिरोसीमा

छियानबे में स्टार्ट हुआ था और ओलंपिक गेम जो होता है वो चार साल के अंतर्गत खेला गया खेला जाता है अगर हम बात कर ले विंटर ओलंपिक की तो विंटर ओलंपिक जो होता है वो 1924 में फर्स्ट स्टार्ट हुआ था ठीक है इसका ध्यान रख लेना है अगर हम बात कर ले एशियन गेम की तो एशियन गेम जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था वो उन्नीस साल में हुआ था और अगर हम बात कर ले एशियन गेम जो फर्स्ट खेला गया था वो कौन से जगह में खेला गया था तो उन्नीस फर्स्ट जो खेला गया था वो भारत के अंदर दिल्ली में खेला गया था ठीक है इसका ध्यान रख

होता है मैं वो एक बार नाम लेता हूं देखो डक तो एक हो गया ऑफ साइड होता है लेग साइड होता है स्टम्प होता है ठीक है और स्ट्राइकर होता है नॉन स्ट्राइकर होता है ठीक है इसका ध्यान रख ले स्ट्राइकर उन्हें कहा जाता है जो फर्स्ट बैटिंग करने आता है जो पहला बॉल फेस करेगा उसे स्ट्राइकर का स्ट्राइकर कहा जाता है और नॉन स्ट्राइकर जो होता है जहाँ बॉल फेंका जाता है ना जो उस शोट पर जो एक बैट्समैन खड़ा होता है उसे नॉन स्ट्राइकर वो नॉन स्ट्राइकर जोन कहा जाता है ठीक है इसका ध्यान रख लेना है अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि फुटबॉल के साथ जो टम्प है मैं वो भी बोल देता हूँ बॉल टू मतलब देखो बॉल होता है बॉल टू हैंड होता है ठीक है बाईसाइकिल किक जो होता है बुट इट और देखो बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर चिप शॉट ये जो होता है ये फुटबॉल के साथ संबंधित होता है अगर हम बात कर ले बैडमिंटन की तो बैडमिंटन का होता है बैक कोर्ट ठीक है बैक कोर्ट जो होता है वो बैडमिंटन में यूज़ किया जाता है अगर हम बात कर ले स्विमिंग की तो स्विमिंग में होता है देखो बटर बैक स्ट्रोक बटरफ्लाई ठीक है ये सब होता है स्ट्रोक डॉल्फिन किक ठीक है बैक स्ट्रोक बटरफ्लाई बे स्ट्रोक डॉल्फिन किक एक जो सारा होता है ये स्विमिंग के साथ संबंधित होता है ठीक है तो बढ़ते हम तेरह नंबर क्वेश्चन की ओर तरह नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डूरान काप एसोसिएटेड विथ हुई गेम यानी कि डूरान काप जो है वो किस खेल के साथ संबंधित है तो डूरान काप जो देखो मेरे भाई वो होता है फुटबॉल के साथ संबंधित होता है ठीक है इसका ध्यान रख लेना है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आप सभी बच्चों को ये नया स्टाइल में पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट करके

उनको नहीं सपोर्ट करोगे एक फौजी यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करोगे यार क्या कर रहे हो मेरे भाई लाइक दबा देना और इस इंडियन आर्मी के नाम पर इस फौजी भाई के नाम पर सारे बच्चे को शेयर कर देना मेरे भाई प्लीज यार शेयर जरूर करना और सभी बच्चे एक सब्सक्राइब करने मतलब सब्सक्राइब बिना किए कोई बच्चे मत जाना मेरे भाई ठीक है क्योंकि हर शाम आठ बजे हम इंडियन आर्मी के लिए लाइव क्लास देते हैं और पढ़ाते हैं ठीक है तो चौदह नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी प्लेयर इन पोलो गेम यानी कि एक पोलो गेम में कितना प्लेयर खेला जाता है तो एक पोलो गेम टीम में जो होता है वो चार प्लेयर खेला जाता है

ज्यादा खिलाड़ी की जरूरत होता है तो होता है भाई रग्बी खेल ठीक है रगबी में जो होता है वो सबसे ज्यादा प्लेयर खेलता है एक टीम में पंद्रह पंद्रह प्लेयर खेलता है यानी कि टोटल दो टीम मिला के स प्लेयर खेलता है ठीक है इसका ध्यान रख लेना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि पंद्रह नंबर क्वेश्चन की और पंद्रह नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेर इज लोकेटेड नेताजी स्टेडियम यानी कि नेताजी स्टेडियम कहां पर स्थित है आपको बताना है तो नेताजी स्टेडियम जो होता है वो कोलकाता में होता है ठीक है अगर हम स्टेडियम की बात कर ले तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि फिरोज साहु कोटला स्टेडियम कहां पर है तो होता है भाई डेली में होता है और अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि इंडियन गार्डन कहां पर स्थित है तो वो होता है कोलकाता में होता है ठीक है इसका ध्यान रख ले फिरोज साहु कोटला स्टेडियम डेली में होता है ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम ये सारा जो होता है कोलकाता में होता है ठीक है और एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट राजीव गांधी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि जो संसद का ऊपरी सदन है वो कौन सा है तो होता है भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन हम बात कर ले राज्यसभा लोकसभा की तो देखो लोकसभा में जो होता है वो पांच साल के लिए चुना जाता है और मिनिमम आय होना चाहिए लोकसभा में जाने के लिए 25 साल राज्यसभा में होता है 6 साल के लिए चुना जाता है और मिनिमम आय होना चाहिए 30 साल प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के लिए होना चाहिए पैंतीस साल और प्रधानमंत्री यानी कि पीएम के लिए होना चाहिए पच्चीस साल ठीक है तो बढ़ते हम सत्रह नंबर क्वेश्चन की ओर सत्रह नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज नोन ऑफ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट यानी कि भारत के जनक मतलब संविधान के जनक के रूप से किसे जाना जाता है तो भारत के संविधान के रूप से जो होता है संविधान के जनक के रूप से जो होता है वो बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने हमारे भारत का संविधान लिखा है अगर हम बात कर ले प्रेसिडेंट

है आपको बताने तो भारत के संविधान में जो होता है वो चार सौ अड़तालीस आर्टिकल होता है, है? अच्छा संविधान मतलब को, को चेंज या कुछ बदलाव किया जा सकता है तो भाई तीन आर्टिकल के द्वारा भारत के संविधान में कुछ ऐड कर सकते हैं आप अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हमारे संविधान ने हमको कितना मौलिक अधिकार दे रखा है तो भारत के संविधान हमारे संविधान ने

अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि लेफ्ट टू राइट यानी कि बाई और से डाई और कौन कौन सा भाषा लिखा जाता है तो ऑप्शन ए बी सी और भी बहुत सारा जो होता है वो भाई मतलब लेफ्ट टू राइट यानी कि बाई और से डाई और लिखा जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं बीस नंबर क्वेश्चन की ओर बीस नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डाउन न्यूज पेपर ऑप या कि डाउन न्यूज पेपर कौन से देश का न्यूज़ पेपर है आपको बताना है सिंपल सा क्वेश्चन है तो यह होता है भाई पाकिस्तान का होता है ठीक है इसका ध्यान रख लेना है और बॉम्बे समाचार जो है वो भारत का सबसे पुराना न्यूज पेपर है

सिल्क सिटी जो होता है वो भाई भागलपुर को कहा जाता है ठीक है इसका ध्यान रख तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की और बाईस नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है दियरलियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन यानी कि पे एल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पर है तो ये होता है भाई ऑप्शन डी केरला में होता है ठीक है अगर हम बात कर ले केरला की तो केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेचरी का रेट है यानी कि साक्षरिता का आहार है केरला में सबसे ज्यादा रबर उत्पन्न होता है और केरला का भाषा जो होता है वो मलयालम होता है ठीक है इसका ध्यान रख लेना है अगर आप क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि माधुई मलाई कौन से राज्य में स्थित है तो माधुई मलाई जो होता है वो तमिलनाडु में होता है अगर हम बात कर ले तमिलनाडु की तो तमिलनाडु की राजधानी जो होता है

डिवाइस उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर से कोई बाहर में चीज आएगा मान लो ठीक थी, है मान लो आप कंप्यूटर के अंदर एक फोटो है अगर आप उसको निकालना चाहोगे तो किसके जरिए निकालोगे आप प्रिंटर के जरिए निकालोगे तो प्रिंटर जो होता है कंप्यूटर के अंदर के चीज को आप बाहर निकाल रहे हो तो यह होता है आउटपुट डिवाइस ठीक है आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस क्या, क्या मतलब कौन कौन सा होता है तो इनपुट डिवाइस उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर के बाहर से अगर आप मतलब कुछ डायरेक्शन दोगे वो अगर कंप्यूटर के अंदर अंदर जाके वो काम आप के लिए कर देगा तो उसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस मान लो आपको कुछ लिखना है ठीक तो है तो बाहर से आप की जरिए फिर भी वो मतलब जो क्या करता है आपका काम कंप्यूटर के अंदर डालता है ठीक है तो इस तरह का चीज जो होता है ये होता है भाई इनपुट डिवाइस यानी कि कंप्यूटर के अंदर डाल रहा है ठीक है तो कीबोर्ड जो होता है ये भाई मतलब इनपुट डिवाइस होता है और माउस भी ऐसा ही होता है आप जैसे जैसे हिलाओगे उसको तो वो ऐसा वैसा काम करता जाएगा आपके

के लिए वीडियो बना रहे हो उनको लाइक नहीं कर रहे हो मेरे भाई एक फौजी यूट्यूबर को आप सपोर्ट नहीं करोगे दूसरों को तो करो ठीक है पर एक फौजी को तो यार 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 सपोर्ट करो यार। प्लीज यार, फौज का ड्यूटी करने के बाद भी मैं वीडियो बनाता आप लोगों को यार इतना पढ़ाता टीचर रखा है पैसे देकर तो यार प्लीज यार एक एक लाइक तो कर दो मेरे सभी बच्चे मिलकर यार प्लीज और शेयर कर देना यार इस फौजी भाई से क्या नाराजगी आप सभी बच्चों का प्लीज यार एक फौजी लोग आपको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं यार प्लीज यार लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो फौज का तैयार

भाषा बोला जाता है बांग्ला ठीक है इसका ध्यान रख लेना है अगर जो जो बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हो तो कल शाम साढ़े आठ बजे आर्मी क्लासेस चैनल पे आप चले आ लेना आ जाना सुबह पक्का साढ़े आठ बजे हम उस चैनल पे लाइव क्लास देंगे और शाम आठ बजे हम इंडियन मिस्टूरी चैनल पर लाइव क्लास देंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस सर का चैनल का लिंक है जाके सब्सक्राइब कर लेना कल शाम पक्का साढ़े बजे मैं उधर आ जाऊंगा और प्लीज यार इस फौजी भाई के लिए एक एक लाइक कर देना इस वीडियो को प्लीज यार लाइक कर देना और शेयर कर देना यार इस फौजी भाई से क्या आप सभी बच्चों को नाराजगी तो प्लीज यार लाइक कर देना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और जो जो बच्चे पक्का शाम आठ बजे हर रोज इंडिया आर्मी स्टूडियो चैनल पर पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, बाद बाजू में बेलाइकन जरूर दबा देना और कल शाम पक्का साढ़े बजे धार्मिक क्लास चैनल पर हम क्लास लेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्स्ट कॉमेंट में भी लिंक है और एक चीज बोल दू कल शाम आठ बजे इंडिया आर्मी स्टूडियो चैनल पर भी लाइव क्लास चलेगा तो आज हम आपसे विदा लेते हैं कल मिल जाएंगे सुबह साढ़े आठ बजे धार्मिक क्लास चैनल पे और पक्का शाम आठ बजे इंडियन स्टूडियो चैनल पे तो आज हम आपसे विदा लेते हैं